पैकेजिंग अगर आप लोगों को करनी है, कोई भी प्रोडक्ट हो, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी पैकेजिंग के लिए आपको जो मशीन देख रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट होती है। तो आज इस मशीन के बारे में हम लोग कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं वीडियो में। आप लोग आप लोग बने रहें और देखिए ये मशीन किस तरीके से काम करती है, कितने की आने वाली है, कहाँ से मिलने वाली है और किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको ये मशीन को बोलते क्या है। ये मशीन है FFS मशीन, इसको ऑटोमेटिक मशीन के नाम से हम लोग सबसे ज्यादा जानते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन इसका नाम है। ये मशीन जो है इसको कप फिलर बोलते हैं। पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें जो है वेरियस साइज के कप लगे होते हैं और कप के माध्यम से जो है और उसकी फिलिंग की जाती है। सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे रोल की तरफ। पीछे आप देख रहे हैं रोल लगा हुआ है और रोल के बाद में ये जो देख रहे हैं आप, ये इसकी लगी हुई है MRP प्रिंटिंग मशीन। ये ऑटोमेटिक MRP लगाती है। MRP सेट करनी पड़ती है आपको अपने अकॉर्डिंग, जो भी साइज आप लोग पैक कर रहे हैं, जिस तरीके की साइज आप लोग बनाना चाहते हैं वो MRP आप लोग इस पर लगा देते हैं। तो पहला काम हो गया आपका रोल लगाना, दूसरा आपकी MRP अपने आप लगेगी और पैकेट अपने आप बनेगा। कप फिलिंग के माध्यम से आप लोग अपनी साइज को सेट कर सकते हैं कि आप लोगों को 50 ग्राम पैक करना है कि 100 ग्राम करना है कि आप लोगों को 20 ग्राम करना है, 10 ग्राम करना है, जो भी करना है वो आप लोग कप सेटिंग से कर सकते हैं। उसके बाद में ये मशीन ऑटोमेटिक जो है अराउंड 1 मिनट में 30 से 40 पैकेट जो है वो बना देती है। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो पैकेट्स हैं वो निकल रहे हैं। एवरेज 30 से 40 पैकेट का इसका जो है वो रहता है। ये देखिए ऑटोमेटिक कुछ करने की आपको जरूरत नहीं, बढ़िया क्वालिटी में जो है पैकेजिंग आप लोग देख पा रहे हैं। मैं पैकेजिंग भी आपको दिखाऊंगा अभी और आप लोग अपने अकॉर्डिंग 10 पैकेट, 20 पैकेट, 40 पैकेट जैसे भी है वो आप लोग जो है इससे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ऑटोमेटिक MRP इसमें प्रिंट की जाती है। आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सेट करके छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक जो है MRP इससे प्रिंट हो जाएगी। एक बार दिखाएं मेरे को लड़ी, ये देखिए। तो इस तरीके की क्वालिटी पैकेज कहीं से भी आप देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट एक बार आप सेट कर दीजिए, उसके बाद एग्जैक्ट वेट चलता है। बीच बीच में एक बार आपको क्रॉस चेक करना होता है कहीं ऊपर नीचे नहीं होता। तो ये फिलहाल हम लोग चाय पत्ती पैक कर रहे हैं। चाय पत्ती के लिए ये मशीन जो है ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप लोग अगर मसाला पैक करना चाहते हैं, कुरकुरे पैक करना चाहते हैं या और बहुत सारे आइटम होते हैं तो उनके लिए हर प्रकार के अलग अलग कंपनी का मशीन जो है वो आप लोग आपको जिस प्रोडक्ट के लिए चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए आप लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे हम चाय पत्ती की बात कर लेते हैं। तो चाय पत्ती में अगर आप लोगों को इस प्रकार की मशीन की रिक्वायरमेंट है और आप लोग खरीदना चाहते हैं इस प्रकार की मशीन, बहुत सारे लोगों को रहता है कि भाई कितने की आती है, कहाँ से मिलेगी। तो मिलने के लिए तो देखिए आप लोग अपने नियर बाई कोई भी मार्केट में ट्राई कर सकते हैं। आप लोग की जो बड़ी सिटी होगी वहाँ से आप लोगों को जो है ये मशीन मिल जाती है। बाकी आप लोग को अगर ये मशीन की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, देखिए इसके लिए आपको प्रॉपर बजट चाहिए, प्रॉपर बजट आप लोगों को चाहिए। दूसरा, मशीन खरीदने से पहले आपको प्रिंटिंग मटेरियल तैयार करना पड़ेगा, वो आप लोग करा दीजिए। डायरेक्ट मशीन मत खरीदिए, इसमें आपको पहले मशीन खरीदने से पहले रोल की रिक्वायरमेंट होती है। तो रोल आप लोग प्रॉपर बनवा लीजिए। रोल कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार लेके आए भैया रोल लेके आए, तो देखिए सबसे पहले जो काम होता है वो होता है रोल छपवाने। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दिखाएं, ये इस तरीके का रोल होता है। ये आप लोगों को सबसे पहले बनवाना होता है। ये यहाँ पर चाय का रोल है, भारत गोल्ड चाय का रोल आप देख रहे हैं। तो ये सबसे पहले इस तरीके का रोल छपवाना होता है, ठीक है। रोल जब आपका बन जाता है तब आपको इस प्रकार की मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये मशीन जो है आपको आपके एरिया के अकॉर्डिंग 1,60,000 रुपये से शुरू होकर और आगे 5 लाख रुपये तक जाती है। इसके लिए वो डिपेंड करता है उसकी फंक्शनिंग पे, उसके किस तरीके के जो हैं उसमें फीचर्स आपको मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बाकी रेट जो है 1,50,000-60,000 रुपये से शुरू होकर और 4-5 लाख रुपये तक आपको मिल जाती है। डिपेंड करता है आपको किस तरह की प्रोडक्टिविटी उस मशीन से चाहिए। तो आप लोग भी अगर अपने बिजनेस के लिए चाहिए आपको इस तरीके की मशीनें तो आप लोग मंगवा सकते हैं। कहाँ से मंगवानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके नियर बाई जो भी बड़ी सिटीज होंगी वहां पे ये मशीनें 100% उपलब्ध होती हैं। आप लोग इंडिया मार्ट की भी सहायता ले सकते हैं, इंडिया मार्ट पे भी आप लोग जो है इस तरीके की मशीन की ट्राई करके और मंगवा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग लगातार हमारे वीडियोस देखते रहिए। इस मशीन के बारे में और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि ये मशीन को ऑपरेट कैसे किया जाता है, स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसके बाद में इसका हीटर जो है, हीटिंग एलिमेंट कैसे काम करते हैं, आप लोग इसे गियर सेटिंग कैसे कर सकते हैं, कप फिलिंग का जो प्रोसेस है वो भी आप लोगों को ज्यादा जानकारी सारी अगले आने वाले वीडियोज के माध्यम से हम लोग देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।